हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीजे सिस्टम चैनल यूट्यूब पे और मैं हूं आपका दोस्त अजय। ये एक साउंड बॉक्स है JBL कंपनी का और इसका मॉडल नंबर है PRX 425। और जो आप लोग ऊपर PRX 400 देख रहे हैं, तो PRX 400 सबवूफर होता है, बेस जैसे बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये कनेक्शन बोर्ड उस बेस में भी ये लोग यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये भी प्रिंट है। तो टॉप हो चाहे बेस हो, कनेक्शन प्लेट यही दोनों में मेरे ख्याल से लगाते हैं। तो आज हम बात करेंगे PRX 425 के बारे में। तो ये इसके अंदर का हिस्सा है, इसमें जो हाई फ्रिक्वेंसी बोर्ड यूज किया गया है वो सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी बोर्ड ना होके हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी दोनों के लिए इस नेटवर्क बोर्ड का यूज किया गया है। और ये कनेक्शन प्लेट यहाँ से नेटवर्क बोर्ड को जाती है और वहीं से फिर स्पीकर के लिए अलग अलग दो दो तारें निकलती हैं और दो तार ये हाइस के लिए निकलती है, यानी ट्विटर के लिए। जो मार्केट में आम टॉप साउंड बॉक्स मिलते हैं 15 इंच डबल वाले डुअल, ये भी उनके जैसा ही है। फ़र्क है, इन्होंने जो मटेरियल यूज किया है, जो स्पीकर यूज किया है, वो सब बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं। इसकी फिनिशिंग और सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से है, इसीलिए ये काफ़ी कॉस्टली होता है और ये आमतौर पे बहुत कम लोग इसको ख़रीदते हैं। दूसरे वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जो दूसरे ब्रांड के होते हैं, असेंबल्ड होते हैं। और ये थोड़ा इनके सर्विस सेंटर या इनके जो डीलर होते हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम आम जगह पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारे पास जब ये आया तो हमने सोचा इसका भी वीडियो बना ले। और ऐसा एक दो बार ही मेरे पास इस तरह का आया है, इसमें कुछ रिपेयर था जिसके लिए इसको खोला गया है और उसी के लिए आया था ये। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सीट वगैरह लगी है काफ़ी मोटी लगाई गई है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है। आप इसको देखें कितना मोटा बोर्ड सीट इस्तेमाल किया गया है, ये तो सिर्फ सपोर्ट के लिए है। और इसका जो ये हाइस है, इसके डायफ्राम को बाज़ार में ढूंढ पाना आसान नहीं होता है, इसको सीधा दिल्ली से मंगाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो आम मार्केट में बिल्कुल नहीं मिल पाता। और वो आता है पूरा कंप्लीट हेड के साथ, यानी मैग्नेट आपका यही रहेगा पर ऊपर का हिस्सा जिस पे चूड़ी बनी होती है वो समेत ही ये सिंगल यूनिट मान के चलिए, तो उसको पूरा का पूरा ही मंगाना पड़ता है जो काफ़ी महंगा पड़ता है। इस पे जो हाइस यूज की गई है 2441 NH, ये करीब $45 का है, यानी करीब 3000 के ऊपर का सिर्फ उसका डायफ्राम, जो उसके ऊपर सिल्वर का हेड आप देख रहे हैं उसको समेत, तो इतने का सिर्फ ट्विटर ही मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है। और इसकी वजह यही है कि ये जो मार्केट में आम दूसरे हाइस वगैरह मिलते हैं, इन्होंने उससे डिफरेंट अपने ट्विटर का साइज रखा है, इसीलिए मैग्नेट के बगैर सिर्फ पत्ता ही 3000 से ऊपर का आता है। और ये है इसका स्पीकर M115 8A, ये स्पीकर 8 ओम का है और M115 इसका मॉडल नंबर है, और जो 8A दिया गया है वो है 8 ओम का होता है। तो इसको जब हमने सर्च किया तो पता चला कि 260 यूरो, यानी करीब 25,000 का एक स्पीकर। तो कई लोग यहाँ हमारे यहाँ लोकल मार्केट में लोग आहूजा के स्पीकर लेके और अपना कैबिनेट तैयार करा के और उसमें ओरिजिनल आहूजा के स्पीकर फिट करा के यूज करते हैं, लेकिन वहीं अगर इस मामले में JBL की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि ईबे वगैरह पे 20-20 हज़ार के यूज्ड स्पीकर, यानी सेकेंड हैंड पुराने स्पीकर का रेट 20-20 हज़ार है। और नया, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग रेट है, कहीं 250-260 यूरो,
कहीं कुछ कहीं कुछ। तो अगर इस तरह एक बॉक्स के लिए दो स्पीकर और एक ट्विटर लेना पड़े तो जितने का ये पूरा बॉक्स है करीब 52,000 का, उससे ज़्यादा का बजट सिर्फ सामान ही खरीदने में लग जाएगा और बॉक्स की और नेटवर्क फ्रिक्वेंसी बोर्ड की तो बातें छोड़ दें। तो दोस्तों ये था JBL का 15 इंच का डुअल टॉप PRX 425, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए।